बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें मैं वूल इस्तेमाल करूँगी। 3-ply की 3 कलर यूज़ करूँगी। हुक इस्तेमाल करूँगी 2.0 mm की। कटिंग के लिए सीज़र यूज़ करेंगे। आइए तो न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट लगाऊँगी। वाइट की हम 30 चैन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। 30 चैन लगाऊंगी इसकी। 30 चैन लगा ली है। यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी। 1, 2, 3 चैन डबल क्रोशे। लगाऊंगी। थर्टी डबल क्रोशे लगा लिए हैं। यहाँ पे 3 चैन बनाऊंगी। 1, 2, 3 चैन टू रो बनाऊंगी इसकी। 30 double crochet यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ। सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अब सेकेंड कलर यूज करेंगे। यहाँ ग्रीन अटैच करूँगी। थ्री चेन 1, 1, 2, 3 टू माइनस करके 3 में लगा दिया है डबल क्रोशे। 1, 2, 2 चेन 1, 2 मिस किए 3 में लगा दिया। 1, 2 डबल क्रोशे एक ही गैप में लगाती हूँ 2 times। वन टू चेन वन टू क्रोशे मिस करके 3 में डबल क्रोशे लगा रही हूँ। हमारा डिज़ाइन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 1, 2, 3 3 चेन भी लगा सकते हैं सेंटर में। 1, 2 चेन 1, 2 इसकी पूरी रो मैंने बना दी है आपके सामने।
ये कलर यहाँ पे एंड हो गया। अब हम पिंक लगाएंगे। यहाँ पे ग्रीन एंड हो गया है, यहाँ पे लगाऊंगी पिंक। थ्री चेन बनाऊंगी, यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है, यहीं से हम मोड़ देंगे। वन टू चेन बना ली है इस गैप में। थ्री डबल क्रोश लगाऊंगी, वन टू थ्री डबल क्रोश लगा लिए, एक साथ बंद कर लिया। वन टू चेन, एक साथ बंद कर लेती हूँ, टू चेन बनाती हूँ, थ्री डबल क्रोशे एक साथ बंद करती हूँ। टू लगा लिए हैं, थ्री हो गए हैं, एक साथ बंद कर लिए। ये देखें, वन टू चेन, थ्री डबल क्रोशे, एक ही गैप में लगाती हूँ, एक साथ बंद करती हूँ। वन टू चेन। कुशन कवर का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है, आपको मेरी वीडियो, मेरी डिज़ाइन पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थ्री डबल क्रोशे लगाती हूँ, एक साथ बंद करती हूँ। ये देख, यहाँ तक मैंने बना दिया है। फिर टू चेन, टू चेन के बाद फिर इसी गैप में चली जाती हूँ। थ्री कलर यूज़ कर लिए हैं, वन टू चेन, थ्री डबल क्रोशे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। यहीं से हम वाइट यूज़ करेंगे। ये दिखाती हूँ आपको कि राउंड हमारा, हमारी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहीं से वाइट मोड़ लूँगी, वाइट लगा के टू राउंड वाइट के दूँगी। यहाँ से वाइट अटैच करूँगी, वाइट हमारा यहाँ पे है, इसको हम बड़े प्यार से यहाँ ले आएंगे ऊपर। वन चेन बनाई, इसके गैप में हमने इस तरह अटैच कर लिया। ये वन चेन के बाद यहाँ हमारे पास आ गया है वाइट। यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, यहाँ से मोड़ लेंगे, यहाँ पे टू लगाऊंगी, बाकी सब गैप में थ्री थ्री लगाऊंगी। यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ, हमारी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम मोड़ लेंगे, थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री चेन, फिर यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। वन गैप छोड़ती हूँ, हर गैप में थ्री थ्री लगाए हैं और हमारे पास थर्टी
डबल क्रोशे फिर यहाँ पे रेडी हो गए हैं। यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, 2 रो कंप्लीट हो गई हैं, 30 डबल क्रोशे, यहाँ पे भी 30 डबल क्रोशे लगाए हैं और यहाँ पे भी 30 डबल क्रोशे हैं। तादाद मेंटेन रखनी है वरना आपका डिज़ाइन जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ, टोटल रिपीट डिज़ाइन है यही वाली। 2 रो जो बनाऊंगी ये 3 टाइम्स बनेगी और हमारा 4 कॉर्नर पैटर्न तैयार हो जाएगा सेंटर पार्ट के लिए। अब मैं आपको इसके रिपीट राउंड लगा के दिखाती हूँ। 1 इस पे फिर ग्रीन आएगा, फिर पिंक आएगा, उसके बाद फिर 2 राउंड वाइट के लगाऊंगी। ये 3 डिज़ाइन बनेंगे और हमारा 4 कॉर्नर डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आपको मैं रिपीट करके दिखाती हूँ। सेम कंडीशन से बनेगा, यही डिज़ाइन बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे 30 मेंटेन रहेंगे डबल क्रोशे, हर गैप में 3-3 लगाए हैं और यहाँ पे हमारे पास 30 कंप्लीट हो गए। इसी तरह 3 लगाती हूँ, एक साथ बंद करती हूँ, ये डिज़ाइन बन जाता है। ये डिज़ाइन भी बनाना सिखाया, ये भी सिखाया। अब मैं आपको इसको रिपीट करके दिखाती हूँ 4 कॉर्नर बना के। ये देखिए व्यूअर्स, 3 डिज़ाइन में हमारा 4 कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। ये देखें, हमारा 4 कॉर्नर डिज़ाइन बन गया है। ये हमारा सेंटर पीस है। 1, 2, 3 3 डिज़ाइन रिपीट हुए, 2-2 लगाते रहे डबल क्रोशे के, यहाँ भी यहाँ भी, ये 4 हैं, 1, 2, 3, 4 लगाए हैं और यहाँ पे 1, 2, 3 लगाए हैं। 3 में ही हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भराई वाला राउंड दूंगी, यहाँ तक इस साइड पे भी भराई वाला राउंड आएगा। यहाँ पे डबल क्रोशे का बनाऊंगी और यहाँ पे हाफ क्रोशे का बनाऊंगी। इस डिज़ाइन को कवर करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके ऊपर हम कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे। यहीं से स्टार्ट करूंगी, 3 चेन, 3 क्रोशे, यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। फिर यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ भी कवर करके यहाँ इस यहाँ पे पहुँच के फिर दिखाती हूँ इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे वो सिखाऊंगी। ये डबल क्रोशे का यहाँ तक बंद करूँगी, इस साइड से भी ये डिज़ाइन बंद हो जाएगा, इस साइड से भी ये डिज़ाइन बंद हो जाएगा। ये बंद करके डबल क्रोशे के साथ दिखाती हूँ। वीवर्स, इसके चारों कोनों को मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे डबल क्रोशे की रो लगाई है और यहाँ पे 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे 30 से हमने स्टार्ट किया था, 30 यहाँ लगाए और 30 से ही हमने बंद किया और उसके ऊपर हमने 3-3 बढ़ाए हैं। 36 डबल क्रोशे हो गए हैं 4 कॉर्नर पे, सारे बराबर कर दिए हैं। अब यहाँ पे ग्रीन अटैच करूँगी और ग्रीन की रो स्टार्ट करूँगी, यही डिज़ाइन बनाऊंगी इसके ऊपर। यहाँ से हमने ग्रीन स्टार्ट कर लिया है, 1, 2, 3 चेन बना ली है। 3 चेन के बाद हम इसमें लगाएंगे डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे डबल क्रोशे, 2 क्रोशे लगा लिए हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगी, 1, 2, 3 में लगाऊँगी, वही डिज़ाइन रिपीट होके बनेगा यहाँ पे। 1, 2, 2 चेन बनाऊँगी, इसी गैप में लगाऊँगी।
वन टू चेन, ये देखें यही डिज़ाइन यहाँ बना रही हूँ। इसको इसका राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यकीनन आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखें यही वाला राउंड बनाया है पूरे पैटर्न पे। यहाँ हर साइड पे 10 ये वाले लिए बनेंगे, फूल बनेंगे, ये कलियाँ बनती हैं, और यहाँ पे ये बेस बनी है ग्रीन से। अब मैं अटैच करूँगी पिंक, यहीं से स्टार्ट करेंगे। टू थ्री चेन, थ्री चेन यहाँ बना ली है। टू डबल क्रोशे लगाऊंगी, साथ में वूल को दबाते जाएंगे। यहाँ तक 4 डबल क्रोशे लगा लिए हैं। 4 डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, इस गैप में 3 डबल क्रोशे लगाऊंगी, एक साथ बंद करूंगी। ये देखें एक साथ बंद कर दिए, 1 2 चेन, एक साथ बंद करती है। जैसे ये डिज़ाइन बना सेम कंडीशन से ये भी बन रहा है। यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 3 डबल क्रोशे लगाऊंगी, वन टू चेन, 3 डबल क्रोशे, एक बार बंद कर दिया। यहाँ पे फिर 2 चेन बना ली, इस गैप में चली गई हूँ। थ्री डबल क्रोशे लगाती हूँ, एक साथ बंद कर देती हूँ, फिर 2 चेन के साथ नेक्स्ट गैप में चली जाती हूँ। ये राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे ग्रीन का राउंड कंप्लीट किया, हमने वूल कट कर ली ग्रीन की, अब पिंक को राउंड कंप्लीट करके इसकी वूल भी कट कर लूँगी। फिर इसके ऊपर 2 राउंड आएंगे वाइट के। पिंक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हर साइड पे यहाँ पे 10 कलियाँ बनी हैं, और यहाँ पे 6 डबल क्रोशे आए हैं। अब इस पे हम वाइट अटैच करेंगे। व्हाइट के 2 राउंड आएंगे इस पे, 3 चेन बनाऊंगी, 6 कंडीशन से बनेगा जैसे हमने सेंटर डिजाइन बनाया है उसी तरह बनेगा ये भी।
हर गैप में 3 लगाती जाऊंगी। जितनी हमारी नीड है उतने क्रोशे हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन से बन रहा है। ये देखें 3-3 लगाए हैं, यहाँ भी 3 लगा रही हूँ। इसके 2 राउंड हो जाएंगे, फिर इसकी तरह रिपीट होगा। ये भी इसके ऊपर भी 3, ये वाला डिज़ाइन 3 डिज़ाइन बना के फिर आपको दिखाऊंगी, जिसमें 2 राउंड रंगीन होंगे और वाइट के होंगे 2 राउंड। 2 राउंड पे अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो 3 राउंड लगा दूंगी। अब यहाँ से ऊपर ये रिपीट है, यहाँ तक मैंने आपको बनाना सिखा दिया। सेंटर पार्ट हमने बनाना सिखा दिया। अब यहाँ पे वाइट के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर पिंक, फिर वाइट। अब वाइट से इसी तरह 2 से 3 राउंड वाइट के लगाऊंगी, फिर यही ग्रीन, फिर पिंक, फिर वाइट लगाऊंगी। जैसे ही मेरे क्वेश्चन की नीड पूरी होती है फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और फाइनल राउंड बनाना भी सिखाऊंगी और बना के भी दिखाऊंगी। मिलती हूँ 8 से 10 राउंड के बाद। व्यूअर्स, हमारे जितने भी रिपीट राउंड थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारी जितनी भी क्वेश्चन कवर की नीड थी ये पूरा हो गया है। ये देखें, अभी मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना है, आप भी बनाइए, बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा डिज़ाइन इतना बना है। ये भी रिपीट था, ये भी रिपीट था। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 लगाए हैं, 2 डिज़ाइन बनाए हैं और यहाँ पे फर्स्ट राउंड ही दिया है। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो इस पर जितने मर्जी है राउंड दे दें। मेजरमेंट के हिसाब से भी दिखा देती हूँ आपको। तकरीबन 10 इंच में बना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी बनाइए। ट्वेल्व इंच में बना है, 30 सेंटीमीटर है और 12 इंच में बना है। हमारे पैटर्न की नीड इतनी थी, वो पूरी हो गई है। आप अगर बड़ा बनाना चाहें तो यही डिज़ाइन रिपीट करते जाइए। 2 राउंड वाइट के आएंगे, ये देखें 2 राउंड वाइट के, उसके ऊपर ग्रीन का राउंड, फिर ऊपर पिंक का। आप कोई भी कलर लगा सकती हैं, अपनी मर्जी के कलर लगा लें। बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है, आप ज़रूर बनाइए। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। इस पे मेरी जो वूल खर्च हुई है वो तकरीबन 70 ग्राम, क्योंकि इसमें पिंक भी लगाई है, ग्रीन भी लगाई है, वाइट भी लगाई है, 70-75 ग्राम के करीब लगी है। और टाइम बहुत लगा है इस पे बनाने में, क्योंकि पूरा भराई वाला है। आप ज़रूर बनाइए अच्छे से डिज़ाइन के साथ। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।